आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब अगर आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, पाइथन का कोई भी आपका लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे 3.9। मैं आपको बताऊंगा पाइथन का 3.6.5 वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहां से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, उसकी exe फाइल कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है, तो उसके लिए आप जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे और कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिखें पाइथन। अगर पाइथन का वर्जन लिखा हुआ आता है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर वर्जन स्पेसिफाई नहीं होता है, इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। जैसे आप इसमें देखें, इसमें वर्जन स्पेसिफाई नहीं हो रहा है पाइथन लिखने के बाद, इसका मतलब इस कंप्यूटर पे या इस लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। किसी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे जब आप पाइथन लिखोगे और पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो लिखा हुआ आएगा पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमको पाइथन इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है, तो पाइथन लिखने के बाद सक्सेसफुली पाइथन का वर्जन हमारे पास आता है या नहीं आता है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हम डॉस मोड से प्रोग्रामिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग और इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड की हम प्रोग्रामिंग देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि पाइथन के अगर किसी स्पेसिफिक वर्जन को या लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप देखें python.org पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाना है, डाउनलोड्स में आप रिलीज पे चले जाएं, ठीक है, या डाउनलोड सेक्शन में आपको देखोगे सारे वर्जन आपको दिखेंगे, उसमें से मैंने पाइथन का 3.6.5 वर्जन चूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो यहां पास आप देखेंगे तो आपको विंडोज का वर्जन दिख रहा है, वैसे ही अगर आप क्या कहते हैं मैक के लिए जाना चाहते हैं, मैक का यहां से वर्जन मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप गूगल में लिखते भी हैं कि पाइथन का मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए या डाउनलोड पाइथन, तो बट ऑब्वियस हो जब वो पाइथन पे लेके जाएगा आपको python.org पे, तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग सजेशन आ जाएगा कि विंडोज के लिए ये आपको वर्जन जो है इंस्टॉल करना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर वर्जन, अगर लेटेस्ट वर्जन आपको सपोर्ट नहीं करता आपके लैपटॉप को, तो आप दूसरा वर्जन चूज करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहां, तो इसमें जो ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसमें से मैंने विंडोज x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को लिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया, ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब यहां देखिए इंस्टॉल पाइथन 3.6.5 32 बिट, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो 32 बिट इंस्टॉल कर सकते हैं या 64 बिट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपका 32 बिट जिसका भी आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है वो 32 बिट इंस्टॉल करें, जिसको 64 बिट करना है तो आप यहां देखो ये आपका एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर था, उसके जस्ट ऊपर आप जाओगे तो x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, तो आप इसको डाउनलोड करें। जिसको 64 बिट का डाउनलोड करना है वो आपका x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को क्लिक करें, ठीक है। अब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक मिनट अभी लेफ्ट है इसमें, तो मैं आपको 64 बिट का इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा, बाकी अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप 32 बिट इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर आप माई कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ देखो सिस्टम का टाइप पता चल जाएगा, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा रिलीज या कौन सा वर्जन सुटेबल होगा, 32 बिट का या 64 बिट का। तो मेरे कंप्यूटर में 64 बिट का हम पाइथन 3.6.5 वर्जन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अब इसको हम ओपन करते हैं। अब आप यहां देखें इंस्टॉल पाइथन 3.6.5 64 बिट, ठीक है। अब यहां देखिए एक ऑप्शन है इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, ये आपका ऑटोमेटिकली क्लिक्ड है। दूसरा ऐड पाइथन 3.6 टू पाथ, अगर आप इसको क्लिक नहीं करते हैं तो फिर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके जो आपका पाइथन का पाथ होगा उसको सेट करना पड़ेगा। तो बेटर है हम इसको सेट करके चलें। तो हमने यहां क्लिक कर दिया एड पाइथन 3.6 टू पाथ, इसका मतलब अब पाइथन जो है ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम और एनवायरमेंट वेरिएबल है वहां पाथ उसका सेट हो जाएगा। तो जब आप इसको चेक करोगे कि पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है तो इंस्टॉलेशन के केस में पाइथन का वर्जन आपका प्रिंट होगा कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां से आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है अभी, देखिए आपको वेट करना है जब तक कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अभी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और आपने लिखा पाइथन, तो आप देखेंगे पाइथन का वर्जन भी आ रहा है साथ में, और साथ में ये आपका पाइथन का सेल आ रहा है। पाइथन का सेल जो आ रहा है उससे आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्टिव मोड की प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट मोड कि प्रोग्रामिंग आप यहां से कर सकते हो, मतलब इंटरेक्टिव मोड में या स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं।
आपने देखा कि अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं था तो उसका वर्जन डिस्प्ले नहीं हो रहा था, और जैसे ही हमने पाइथन इंस्टॉल किया उसका वर्जन भी डिस्प्ले होने लगा, और ये जो आपके ब्रेसेस जो दिख रहे हैं, एंगुलर ब्रेसेस जो आपके दिख रहे हैं, वो जो आप बता रहा है कि ये आपका डॉस का सेल है या पाइथन का सेल है, इस पाइथन के सेल से आप यहां कमांड को लिख सकते हो और प्रोग्राम रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने देखो 7+4 लिखा 11 आ रहा है, वैसे ही अगर आप यहां कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखो तो पाइथन का प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा जैसा नॉर्मली आप किसी नोटबुक या किसी दूसरे एडिटर में करते हो। ओके, थैंक यू। आगे क्लास में हम देखेंगे कि और इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं।